का एनालिसिस करना है, तो चलिए इनिशिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है, बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पर लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से पैसे की बचत कर पाते हैं। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। अंगूठा बस ठीक है, प्लानिंग आप ठीक ठाक तरीके से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी आप ठीक ठाक तरीके से ही कर पाते हैं। अंगूठे का ये वाला पार्ट हल्का सा भी बाहर के तरफ देख रहा होता है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस देता है। ऐसे लोग यदि व्यापार के क्षेत्र में आते हैं अच्छी खासी सफलता पाते हैं। हॉटलाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है ना ही सटान से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। हॉटलाइन आपकी एक सर्टेन एज तक टूट टूट के चल रही है। हॉटलाइन का टूट टूट के चलना आपकी पर्सनल लाइफ में चल रही समस्याओं को बताता है। हॉटलाइन पे यदि दबाव की स्थिति है तो ये आपके पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करता है, और माइंड लाइन पर यदि दबाव की स्थिति है ये आपके प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करता है। तो एक सर्टेन एज तक आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी रहने की उम्मीद नहीं है। ये उम्र होगी तकरीबन 43, और 43 के बाद से लाइफ काफ़ी बेहतर हो जाएगी। हार्टलाइन आपकी शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है माइंड लाइन की तरफ। पाल्मिस्ट्री का नियम है, जो लाइन अपनी जगह को छोड़ के जिस लाइन के तरफ जाती है उसी के गुणों को अपनाती है, और यहाँ आपकी हार्ट लाइन शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है माइंड लाइन के तरफ, तो इसने माइंड लाइन के गुणों को अपना लिया है। यानी इनके दिल का काम दिमाग करता है, और जब दिमाग आपके दिल का काम करता है तब आपके सफल होने की उम्मीद ज़्यादा होती है, और ये हार्ट लाइन आपको फ़ायदा अत्यधिक देगा 43 के बाद से। लेकिन इसका पॉजिटिव जो एक असर होता है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा 34 के बाद से। 34 से माइंड लाइन और लाइफ लाइन पर लंबे टाइम तक बंधन योग चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो दूसरों की, या कह सकते हैं कि अपनी मेहनत, जितनी मेहनत आप करते हैं या जैसी आपकी काबिलियत होती है उसकी तुलना में बहुत कम। और इतने लंबे टाइम तक जिनके हाथ में बंधन योग रहता है इन लोगों के अंदर आत्मविश्वास की भारी कमी देखने को मिलती है। बंधन योग ख़त्म होने के बाद भी तकरीबन 3 से 4 साल इनको लग जाते हैं, या 5 साल भी, उस आत्मविश्वास को पाने में जो एक ठीक ठाक इंसान के अंदर होती है। यानी जिन लोगों की माइंड लाइन स्टार्टिंग से ही जुपिटर से इनिशिएट होती है उनके अंदर जिस तरह का आत्मविश्वास पाया जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो बहुत ज़्यादा काबिल हैं या किस क्षेत्र में उन्हें जाना चाहिए, वो बहुत शार्प माइंड होते हैं और बचपन से ही अपने एम को लेकर के, गोल को लेकर के उनका माइंड बिल्कुल क्लियर रहता है। इसीलिए क्या होता है कि बिल्कुल सही फील्ड का जब आप चुनाव करते हैं तो आपको मेहनत भी कम लगती है और सफलता दूसरों की तुलना में ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ आप स्टार्टिंग से गलत फील्ड का चुनाव करना स्टार्ट कर देते हैं जब बंधन योग चल रहा होता है या माइंड लाइन आपकी जुपिटर मंगल से इनिशिएट हो जाती है। गलत फील्ड का चुनाव करने की वजह से कई बार असफलताओं का दौर आपके जीवन में रहता है और सफलता आपको देरी से मिलती है। तो इस वजह से क्या होता है कि लगातार जब इंसान असफल होने लगता है तो आत्मविश्वास अपने आप कम हो जाता है, और जब बंधन योग ख़त्म होता है उसके बाद माइंड लाइन आपकी यदि मंगल से इनिशिएट हुई फिर तो उस आत्मविश्वास को पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। लेकिन यदि ये माइंड लाइन जुपिटर से इनिशिएट हो गई तो उस आत्मविश्वास को पाने के लिए आपको 4 से 5 साल का इंतज़ार करना होता है। यहाँ बंधन योग तकरीबन मेरे हिसाब से तो 27-28 ईयर तक आपके हाथ में है। फ़िलहाल अभी कुछ भी 100% एक्यूरेसी के साथ कहना सही नहीं होगा, वो तो इज वाइज एनालिसिस के माध्यम से ही पता चल पाएगा
लेकिन बंधन योग काफ़ी लंबे टाइम तक आपके हाथ में रहा है, इस वजह से अभी भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, अभी भी आपको खुद में भी ये फील नहीं होता होगा कि एक बारी में आपने कोई फैसला ले लिया तो वो बिल्कुल सही होगा। और बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन देख तो रही है जुपिटर की तरफ, लेकिन इसका उतना फ़ायदा आपको फ़िलहाल मिलता हुआ मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। इसके पीछे रीज़न ये है कि भले आपकी माइंड लाइन जुपिटर की तरफ देख रही हो, लेकिन यदि ये इस तरह से टुकड़ों में बट जाती है, इसका फ़ायदा आपको नहीं मिल पाता है, इससे माइंड लाइन का फ़ायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये मस्तिष्क की ऊर्जा की कमी को शो करता है। अब मान लीजिए आप का माइंड लाइन जुपिटर से इनिशिएट हुआ, आपने गोल बना लिया, आपने लक्ष्य को साध लिया कि भाई मुझे इस फील्ड की तरफ जाना है, आपने लक्ष्य बना लिया, लेकिन आप वर्क नहीं कर रहे हैं उस फील्ड की तरफ, आप काम नहीं कर रहे हैं, आपको पता है कि जाना उधर ही है लेकिन कैसे जाना है ये आपको पता ही नहीं है, तो ये वाली स्थिति यहाँ पर कायम हो जाती है जब जुपिटर से आपकी माइंड लाइन इनिशिएट तो होती है लेकिन ये टुकड़ों में बट जाती है। उसके बाद तकरीबन 27-28 के बाद से आपकी माइंड लाइन ठीक ठाक तरीके से, एकदम बहुत अच्छा मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ठीक ठाक तरीके से एक नॉर्मल इंसान का जैसा माइंड लाइन होता है उस तरह से ये रन कर रही है, आगे बढ़ रही है। सबसे अच्छा बदलाव आपके माइंड लाइन पर आता हुआ दिखाई दे रहा है 43 के बाद, यानी 44 के आसपास से। और सही मायने में जैसी काबिलियत है आपकी या जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, आपको इसका फ़ायदा मिलता हुआ, इस माइंड लाइन का फ़ायदा मिलेगा आपको 43 के बाद। उससे पहले आप ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपका प्रोफेशन क्या है, लेकिन जैसा भी आप काम कर रहे हैं इसमें आपको छोटी से छोटी सफलता पाने के लिए भी दूसरों की तुलना में अधिक मेहनत लग रही होगी, लेकिन आगे क्या होगा 43 के बाद बहुत सफल होंगे आप, क्योंकि जिस आयु से आपकी माइंड लाइन दुशाकित हो जाती है उस आयु से आपकी सफलता का जो दर है वो बढ़ जाता है, बहुत सफल होते हैं ये लोग। और साथ ही जिस आयु में ये दुशाकित होती है उस आयु में आपको कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट या कोई बहुत बड़ी सफलता मिलती है। आपका भाग्योदय आपके माइंड लाइन के हिसाब से 43 के बाद से ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे पहले भी सफलताएँ हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ लाइन पर अपवर्ड ब्रांचेस निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपवर्ड ब्रांचेस जब लाइफ लाइन पर निकलते हैं जिस आयु में भी आपके लाइफ लाइन से ऊपर की तरफ ब्रांच निकल रहा हो, शाखाएं निकल रही हो, ये पॉजिटिव ये ग्रोथ को शो करता है, ये सफलता को शो करता है, सक्सेस को शो करता है, ये हैप्पीनेस के को शो करता है, यानी इस आयु में आपको सफलता मिली है, खुशी मिली है, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है इस एज में आपके साथ। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, बहुत बड़ी नहीं है, मध्यम स्तर की ये माइंड लाइन है, ऐसे लोग एक तो ऐसे लोगों को गुस्सा आता नहीं है और आ जाए तो शांत होता नहीं है। बंधन योग की वजह से मानकर चलिए थोड़ी बहुत कल्पनाओं में जीना थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगता होगा या लगा होगा, लेकिन आगे जब 43 के लगभग आप हो जाएंगे तब आप कल्पनाओं में जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। जो रियलिटी है यानी जो चीज़ें आँखों से दिखेगी केवल उन्हीं पर आप यकीन करेंगे, सपने वही देखेंगे जिन्हें आप खुद पूरा करने की क्षमता रखेंगे, अनावश्यक ध्यान भी नहीं भटकेगा, और इस माइंड लाइन का काफ़ी फ़ायदा आपको 43 के बाद से ही मिलेगा। उससे पहले सफलताएं मिलेंगी लेकिन आप जीवन जैसी आपकी मानसिकता है और जिस तरह की सफलताओं की उम्मीद आपने अपने आप से रखी है, इसी वजह से इस उम्र से पहले आपको संतुष्टि नहीं मिल पाएगी, आप अपनी सफलताओं से सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, कहीं ना कहीं त्रुटियां आपको महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कमी है, इससे बेहतर हो सकता था, लेकिन 43 के बाद से ये जो इससे बेहतर हो सकता था वाली बात है ये ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आप जो भी काम करेंगे या जैसा भी काम करेंगे इतना आप समझ जाएंगे कि नहीं ये सबसे बेहतर है और अब इसी में मुझे अच्छा करना है। लाइफलाइन आपकी शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है मून माउंट की तरफ, इसके दो परिणाम होते हैं।
फॉरेन सेटलमेंट होता है हमेशा के लिए, लोग विदेश जाते हैं और वहीं के होके रह जाते हैं, या व्यापार के क्षेत्र में अच्छी सफलता। लकलायन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है राहु से, राहु से लकलायन का इनिशिएट होना 28 के बाद ही ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है। और लकलायन से अटैच्ड होकर के यदि सनलाइन निकल रही होती है, भले ही टूट टूट के चल रही है इसीलिए इसका बेनिफिट आपको स्टार्टिंग में नहीं मिल रहा है, लेकिन इस सनलाइन की पॉजिटिविटी ये होती है कि इन लोगों पर लोग यकीन बहुत करते हैं। और जीवन में कभी ना कभी आप लोग समाज सेवा से जुड़ा हुआ काम भी करते हैं, जन कल्याण से जुड़ा हुआ काम भी करते हैं, और इसी वजह से क्योंकि आप जन कल्याण से जुड़ते हैं तो आपको पसंद करने वालों की तादाद काफ़ी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुश्मन आपके नहीं होंगे, दुश्मन तो होंगे ही, लेकिन उससे ज़्यादा आपके प्रशंसक होंगे, आपके आपके हित की कामना करने वाले होंगे। इतनी बड़ी मर्क्यूरी की लाइन जिनके भी हाथ में होती है ऐसे लोग बहुत सफलता पाते हैं। यदि सिर्फ एक लाइन के को देख करके किसी की सफलताओं को आपको बताना हो तो बस जिसे हेल्थ लाइन या स्वास्थ्य रेखा कहा जाता है इसको देख करके आप बता दीजिएगा कि सामने वाला कितनी सफलता पाने के लिए बना हुआ है। जितनी बड़ी मर्क्यूरी की लाइन होती है आपको सफलता उतनी ही बड़ी मिलती है। तो सफल आप काफ़ी होते हुए दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सफलता को नहीं मिलेगी, लेकिन वही है जैसी काबिलियत है या जिस तरह के सपने हैं आपके उस तरह की सफलता आपको 43 के बाद ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। हल्का सा भी कर्व हो जाता है यदि सनलाइन, तो ऐसे लोगों को सफलता जॉब के माध्यम से मिलती है, और यहीं यदि स्ट्रेट सनलाइन होती है तो व्यापार के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से आप लोग बहुत सफलता पाते हैं। अब देख सकते हैं, जूम इन करके आपको दिखाते हैं, ये वाली लाइन जिनके भी हाथ में होती है ऐसे लोगों को विदेश जाने का एक तो मौका बहुत मिलता है, और कोई ना कोई काम ये लोग ऐसा करते हैं जहाँ विदेशी धरती से धन का आगमन होता है। जिनके भी हाथ में मर्क्यूरी के माउंट पे एक सिंगल लाइन पाई जाती है ऐसे ही लोगों को सफलता, अच्छा ये तो मर्क्यूरी की लाइन है, सिंगल लाइन पाई जाती, छोटी सी है, तो सफलता आपको मिल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रही है, लेकिन युवावस्था से ज़्यादा आपका बुढ़ापा अच्छा रहेगा। युवावस्था संघर्ष में बीतेगा, बुढ़ापा आपका अच्छा जाएगा, यानी ओल्ड इज आफ्टर रिटायरमेंट आपकी इज बेहतर, आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। आपके हाथ में अर्ध शुक्र वलय है, अर्ध शुक्र वलय जिनके भी हाथ में होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा इनके ऊपर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। ये लूप ऑफ सीरियसनेस है, आपको सीरियस बनाता है। जिन लोगों के मर्क्यूरी के माउंट पे स्ट्रांग स्क्वायर के साइन या इतने बड़े स्क्वायर के साइन पाए जाते हैं ऐसे लोगों का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि इनके ऊपर ब्रह्मांड की विशेष कृपा होती है, दृष्टि होती है, और हर समय कोई ना कोई शक्ति इनकी रक्षा के लिए इनके आसपास रहती है। मान लीजिए मनी लॉस का प्रॉब्लम हो या कोई दुश्मन इनका हित नहीं चाह रहा हो, इनको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, तो वो सफल नहीं हो पाता है इस स्क्वायर के साइन की वजह से। इसीलिए मर्क्यूरी के माउंट पे स्क्वायर के साइन का पाया जाना या फिर लाइफ लाइन के बगल में जैसे कि आपके हाथ में है एंजल्स लाइन का पाया जाना बहुत अच्छा होता है। ये हमेशा आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको बचाता है हर तरह की समस्या से। और इस लाइन की बात की जाए ये कैसे आपकी आपको सुरक्षा प्रदान करता है वो देख लीजिए। होता ये है कि मान लीजिए राहु की लाइन, ये लाइन नहीं है आपके हाथ में, दो मिनट के लिए मान के चलिए ये लाइन नहीं है, राहु की लाइन आई और आपकी लाइफ लाइन को कट कर दिया। अब यहाँ पर ये आपके लाइफ को 100% हानि पहुँचाता हुआ दिख रहा है, चाहे ये मनी का लॉस हो या कोई भी प्रॉब्लम हो। लेकिन जब एंजल लाइन होती है और यहाँ से यदि कोई राहु की लाइन कट कर रही होती है आपके लाइफ लाइन को, तो इसकी जो निगेटिविटी है वो तकरीबन 75% तक कम हो जाती है। यदि सिंगल एंजल लाइन है, दो दो है
जिन लोगों के हाथ में, और यहाँ से यदि राहु की लाइन गुजरती है तो कभी कभी आपके लाइफ लाइन तक पहुँचने से पहले ही आधे रास्ते में इसकी जो शक्ति है वो छिन्न हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, यानी इसका दुष्प्रभाव आपके जीवन पर देखने को नहीं मिलता है। तो ये बहुत अच्छा है। मान लीजिए कुछ निगेटिव होना है और वो आप तक पहुँचने से पहले ही आधे रास्ते में ही दम तोड़ दे, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? यानी आपको प्रोटेक्शन मिलता है आपके पूर्वजों के माध्यम से, या ब्रह्मांड के द्वारा कोई ना कोई शक्ति आपको समस्याओं से बचाती है। जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल का पाया जाना आपको पद दिलाता है। जिन लोगों के हाथ में लाइफ लाइन के एंड में जाकर के कंप्लीट फिश की आकृति बनती हुई दिखाई दे लास्ट में, ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं वो फॉरेन या तो स्टडीज के लिए जाते हैं या वहीं पे सेटलमेंट ले लेते हैं, वहीं के होके रह जाते हैं। लाइफ पार्टनर देखने में आपकी अच्छी होंगी और थोड़ा सा उनका जो नेचर होगा वो डोमिनेटिंग होगा, तो इस वजह से स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकते हैं। यानी आपका भी रवैया ऐसा नहीं है कि आप किसी की सुन करके या बर्दाश्त करने वाले वाला व्यक्ति तो आपका भी नहीं है, और आपकी लाइफ पार्टनर भी दबंग होंगी। दबंग मतलब अपनी बात मनवाने वाली, तो वहाँ पर होता है ना कि एक म्यान में दो तलवार रखने वाली बात हो गई, तो यहाँ पर झंझट होते हैं। स्टार्टिंग में बनती नहीं है, प्रॉब्लम रहती है, लेकिन फिर क्या होता है कि एज के बाद, जैसे 5 साल 7 साल एक साथ रहने के बाद एक दूसरे के व्यवहार को समझ जाते हैं लोग, तो उतने झगड़े उतनी झंझट नहीं होती है। समस्याएं हैं लेकिन बहुत बड़ी नहीं है। जुपिटर का माउंट आपका ठीक है, बहुत अच्छा, मैं इसको नहीं कह सकती। जब जुपिटर के माउंट का शेप सही ना हो या आपको ये लगे कि ये दबा हुआ है, तो ये इसकी ऊर्जाओं को कम कर देता है, यानी गुरु के पर्वत की ऊर्जा कम हो जाती है। अब आपको ये समझना होगा कि किसी भी पर्वत के, जैसे जुपिटर का माउंट है ये डाउन हो गया, तो इसका क्या रिजल्ट होगा? ये रिप्रेजेंट करता है आपके पारिवारिक जीवन को। अब यही वीक हो गया तो ये आपके फैमिली लाइफ को यानी आपके पारिवारिक जीवन को सुदृढ़ नहीं रहने देता है, कोई ना कोई समस्या प्रॉब्लम लगी रहती हैं, और ख़ास करके लाइफ पार्टनर के साथ या अपने माता पिता के साथ, रिलेटिव के साथ बहुत अच्छी स्ट्रांग बॉन्डिंग आपकी नहीं बन पाती है स्टार्टिंग में लाइफ पार्टनर के साथ। बाद में चीज़ें बेहतर या जीवन बेहतर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्रॉस आपके हाथ में यहाँ पर जुपिटर के माउंट पे बना हुआ है। सैटर्न का माउंट ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा आलसी नहीं बना रहा है, यानी एक्टिव अब अधिक है। और होता ये है कि जब इंसान आलसी कम होता है तो सफल वो अपने जीवन में ज़्यादा होता है। एक बहुत अच्छी बात क्या है कि आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन हैं। यदि आप गवर्नमेंट से संबंधित कोई काम करते हैं जहां गवर्नमेंट आपको पैसा पे करे, उस काम के माध्यम से सफलता बहुत मिलेगी। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं तब, आप समझिए बात को, यदि नहीं है तब, यदि आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं और उसके बावजूद भी आपके हाथ में ये साइन है, आपने फ़ायदा नहीं लिया या आपका इंटरेस्ट नहीं है उस तरफ, तो व्यापार कीजिए। आप 43 के बाद से जब चेंज आएगा तो कोई ना कोई ऐसी शाखा आप उस काम के अंदर रखिएगा जहाँ गवर्नमेंट के ज़रिए आपको वर्क मिले और उन्हीं के माध्यम से आपको पैसा मिले उस वर्क के बदले, उस काम के बदले। तो उस तरह के काम है जहाँ गवर्नमेंट से जुड़ करके आप काम करेंगे तो वहाँ आपको सफलता अधिक मिलेगी। सन का माउंट हल्का सा दबा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है जब आपके हाथ में बंधन योग होता है, वो भी इतने लंबे टाइम तक के लिए होता है, तो सन माउंट अपने आप नीचे हल्का सा दब ही जाता है, तो सफलता में देरी का ये सूचक है।
ये साइन कम्प्लीटली बना नहीं, अभी कम्प्लीटली बना नहीं है, ट्राइंगल है, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पे अधूरा है। तो कोई भी साइन हो, यदि वो अधूरा है तो उसका परिणाम आपको नहीं मिल पाता है। और बंधन योग जिनके हाथ में लंबे वक्त तक के लिए होता है, ऐसे लोगों की हथेली को मैंने देखा है कि इनके हाथ में अधिकतर जो साइन होते हैं वो अधूरे ही रहते हैं। ये कंप्लीट हो जाएगा जब आप 40+ हो जाएंगे, तब जाकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले फ़िलहाल तो नहीं, या 38 के बाद, क्योंकि 38 34 के आसपास आपके लाइफ लाइन पर ऑफ शूट है। तो 2-3 साल का टाइम फ़िलहाल लगेगा इसको कंप्लीट होने में, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आपके उन्नति पाने के या प्रोग्रेस या कह सकते हैं एक तरह से सफल अधिक होने की उम्मीदें ज़्यादा रहेंगी। क्योंकि जितना बड़ा ट्रायंगल आपके सन माउंट पर होता है, आपको सफलता ही उतनी ही बड़ी देता है। मर्क्यूरी का माउंट मर्ज होता हुआ दिख रहा है सन माउंट के साथ। मर्क्यूरी का माउंट यदि सन माउंट के साथ मर्ज हो जाता है, ऐसे ही लोगों की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, बहुत समझदार होते हैं, दिमाग बहुत तेज़ होता है, और दिमाग से जुड़ा हुआ काम जहाँ पे आपके माइंड का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उस तरह के काम में ये लोग अधिक सफल होते हैं। चाहे आप साइंस की बात कर लें, या फिर पॉलिटिक्स की बात कर लें, या बिजनेस की बात कर लें, यानी जहाँ दिमाग ज़्यादा लगेगा वहाँ आपको सफलता मिलेगी। इनाम आज ठीक है, हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इश्यूज आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी खान पान का आप ध्यान रखिएगा। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा। मान लीजिए नॉर्मली यदि आप अंगूठे को ऐसे भी रखते हैं, कुछ लोगों का क्या होता है कि हथेली को जैसे ही फैलाया अंगूठा पीछे की तरफ झुक जाता है, ऐसे बैंड हो जाता है, और कुछ लोगों का नॉर्मली जब अंगूठे को कैरी करते हैं तो वो हथेली की तरफ झुक जाता है। यदि आपका नॉर्मल पॉस्चर जो है अंगूठे का वो इस तरह का है, तो ये आपको शक्की बनाता है। मून माउंट शेप वाइज ठीक है, मून माउंट जब शेप वाइज ठीक रहता है, स्पेस ज़्यादा लेता है, ये बाहरी लोगों से आपके कनेक्शन को स्ट्रांग बनाता है। यानी कि आप जैसे मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं, तो वहाँ जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं वहाँ के लोग आपकी हेल्प करते हैं, और ख़ास करके बाहर के लोग जिन्हें आप नहीं जानते हैं वो लोग ज़्यादा आपकी मदद करते हैं। और मून माउंट जब शिफ्ट होता है या शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे वीनस माउंट की तरफ, ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से जीवन में एक बार नुकसान उठाते हैं। ऑटोमास ठीक है, आपका ऊर्जा आपके अंदर एक सीमा तक है, यानी 3-4 घंटे लगातार काम करने के बाद थकावट महसूस होती है, और ब्रह्मांड ने जैसा आपको बनाया है आपको बिल्कुल वैसे ही अपने काम को आगे तक लेके जाना है। यानी कि आपको 3-4 घंटे काम करने के बाद ब्रेक लेते रहना चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ समस्याएं आ सकती हैं। बड़ी राहु की लाइन तो नहीं है आपके हाथ में, लेकिन छोटी छोटी लाइन्स ने तबाही मचा के रखी हुई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। कट्स बहुत हैं आपके लाइफ लाइन पर। आपके लेफ्ट पाम में आपके जो लग लाइन है वो देख रही है मून माउंट की तरफ। मून माउंट की तरफ जब भी आपकी लग लाइन देखती है या इनिशिएट होती है, इसका 25% तो रिजल्ट मिलता ही है। यदि आपके पैसिव हैंड में साइन है या जैसी भी लग लाइन है, इसका 25% रिजल्ट आपके लाइफ पर देखने को, प्रभाव देखने को मिलता है। मून माउंट से जब आपकी लग लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों को, बाहरी लोगों की मदद मिलती है। घर के लोग के रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। ये लोग अपने घर से जितनी ज़्यादा दूरी पे रहते हैं उतनी ही सफलता इन्हें मिलती है। अब यहाँ पे क्या लॉजिक है वो समझिए, ये एंशिएंट पाल्मिस्ट्री के बुक में आपको मेंशन की भी मिल जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग दूसरों के मन में पल रही नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींचने की ताकत रखते हैं। अब ये बहुत गलत है। कैसे गलत है? मान लीजिए किसी के मन में नकारात्मक भाव आपके खिलाफ चल रहा है और आपने उस ऊर्जा को अपने अंदर ले लिया, तो सिंपल सा मैटर है कि ये आपके काम को बिगाड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए अपने घर के अंदर रहते हैं, और हर इंसान की आदत होती है
कि जिन्हें वो बचपन से जान रहा होता है या आपके रिलेटिव होते हैं, उनकी सफलताएं या इंसान हजम नहीं कर पाता है। बहुत दुख होता है जब कोई अपना सफल हो जाता है, पराया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना नहीं होना चाहिए। ये सभी यहाँ का व्यवहार ऐसा ही रहता है। अब यहाँ पर क्या है, जब आप अपने घर के बहुत नज़दीक रहते हैं तो आपके रिलेटिव को पता चल गया कि आपने फलाने फलाने जॉब में सफलता पाई है, अब वो आपको आए बधाई देने के लिए, ऊपर ऊपर से कह रहे हैं कि मुझे तो बहुत खुशी मिली, आपको सफलता मिल गई। इंटरनली क्या चल रहा है, वहाँ पे महाभारत छिड़ा हुआ है कि भाई इनको कैसे सफलता मिल गई, इनको तो नहीं मिलनी चाहिए थी। मतलब अंदर से वो रो रहे हैं, लेकिन ऊपर ऊपर वो आपको सांत्वना दे रहे हैं कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो बहुत खुशी मिली। तो वो क्या होता है, तब क्या होता है कि उनके मन में नकारात्मकता का गुब्बार उमड़ रहा होता है और वो गुब्बार आपके अंदर प्रवेश कर जाता है, तो आपकी मानसिकता को वो डिस्टर्ब करता है, आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। तो जितनी, इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने घर से जितनी ज़्यादा दूरी पर रहेंगे आपको सफलता उतनी ही मिलेगी। अब एक सलाह मैं आपको देना चाहूँगी, कोई भी काम आप कीजिए, कहीं भी हैं आप, रहस्यमय तरीके से कीजिए। रहस्यमय तरीका मतलब ये कि छुपाइए, जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए, पूरा ना हो जाए, तब तक इसकी जानकारी किसी को मत दीजिए, किसी को भी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। जब काम हो जाएगा, आप सफल हो जाएंगे, तो अपने आप वो सफलता का जो शोर होगा वो अपने आप आपके जानने वालों तक या आपके अपनों तक पहुंच जाएगा। तो आप अपने तरफ से कभी भी बढ़ चढ़ के कुछ भी मत बताइए किसी को, या नॉर्मल बातें भी मत बनाइए, बताइए अपनी प्लानिंग को। आप जितना हाइट रख के आगे बढ़ेंगे आपको सफलता उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। आपका पैसिव हैंड आपके एक्टिव हैंड से थोड़ा सा वीक है, ऐसे लोग ज़्यादा सफलता पाते हैं। आप एक काम करते हैं, इस वाइज अलग से बिठाते हैं, फिर देखते हैं आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने जा रहा है। 15 के जब आप थे तब कोई प्रॉब्लम आए, बचपन आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरा है, 17 में भी कोई ना कोई समस्या आई है, बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया आपका। ट्वेंटी के आसपास भी इश्यूज आते हुए, समस्या आती हुई दिखाई दे रही है, 22 के आसपास भी प्रॉब्लम आता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्वेंटी थ्री से जीवन को दिशा मिली है, बट ये दिशा बहुत बेहतर नहीं है। ट्वेंटी फाइव में अगेन फिर जीवन को एक दिशा मिली, बट ये भी वर्थ इट नहीं है। थर्टी वन में मेजर चेंज आ रहा है, अच्छा परिवर्तन है। 31 से आपके जीवन को एक दिशा मिल रही है, जो इससे पहले जिस भी रास्ते पे आप हैं, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, इतना तो तय है कि 25 में चेंज आया, 23 में चेंज आया, 25 में चेंज आया, देन आफ्टर 27 के आसपास भी चेंज आता हुआ दिख रहा है। बट ये जो भी काम है ये आपको संतुष्टि प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर, आपके मन के अंदर उथल पुथल की स्थिति है। जब इस तरह से लाइफ लाइन टुकड़ों में बट जाती है, यानी जीवन तो आप जी रहे हैं लेकिन उसका आनंद आप नहीं ले पा रहे हैं, तो लंबे टाइम तक आप आनंद नहीं ले पाएंगे। लेकिन एटलीस्ट क्या है, अच्छी बात क्या है कि आगे ऑफशूट हैं, यानी अपवर्ड ब्रांचेज हैं, तो अपवर्ड ब्रांचेज होने की वजह से आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है, सफलताएँ आ रही हैं, खुशियाँ आ रही हैं टाइम टू टाइम पे। लेकिन बचपन से लेकर के 31 से पहले तक बहुत ज़्यादा कोई ऐसी सफलता नहीं मिली है आपको, जिसको लेकर के आप ये कहें कि हाँ मैंने ये किया, या आप अपने अंदर भी अच्छा महसूस करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 31 में चेंज आया, आने वाला है, बहुत अच्छा ऑफशूट है, बहुत अच्छा परिवर्तन है ये। 34.5 में भी ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई, परिवर्तन आता हुआ, अच्छा परिवर्तन आता हुआ आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी समस्याएं भी रहेंगी, ऐसा नहीं है कि लाइफ एकदम से स्मूथ हो गई, कोई समस्या नहीं है, जीवन को अच्छे से आनंद लेते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। आनंद तो अभी भी आप नहीं ले पा रहे हैं जीवन का, अभी भी कुछ ना कुछ
मन के अंदर कसक है, एक ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरापन है, लेकिन इसके बावजूद भी सफलताएं आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप रुक गए हैं कहीं पे या खुशी का कोई पल नहीं आया है। इतना है कि 31 के बाद से या 31 से आपके जीवन में खुशियां आती हुई दिख रही हैं, तो ये पॉजिटिव। थर्टी एट और 39 लगातार ऑफ शूट है, लगातार खुशियां मिलती हुई दिख रही है। तो 31 में खुशी मिली, 34 एंड हाफ में खुशी मिल रही है, देन आफ्टर 38 में और 39 में मिल रही है। 41 में भी बहुत बड़ा ऑफ शूट है, बहुत बड़ी खुशी मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। 42 में भी खुशी मिलती हुई दिख रही है। और यहाँ क्या है कि 41 के बाद से ही आप जीवन का आनंद लेते हुए दिख रहे हैं, ये अच्छी बात है। 42 में भी खुशी मिलते हुए दिख रही है और 44 के लगभग जीवन को एक नई दिशा मिल गई। ये लाइफ लाइन यहीं पे एंड हो गई और यहाँ से एक नई लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई। जब भी लाइफ लाइन आउटर पार्ट से इनिशिएट होती है, ये पॉजिटिव चेंज को शो करता है, अच्छे परिवर्तन को दिखाता है। तो इस आयु से आपके जीवन में एक अच्छा सा परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। ये उम्र होगी तकरीबन 43 एंड हाफ या 44 के आसपास। ऐसे यदि सफलताओं का दौर कहा जाए या एटलीस्ट आपके जीवन में खुशियां आते हुए दिख रहे हैं, वो 31 से ही। 31 अच्छा टाइम रहेगा, 34 एंड हाफ भी अच्छा टाइम रहेगा, देन आफ्टर 38 भी अच्छा है, 38, 39, 40, 41, 42, 43 लगातार ऑफ शूट्स हैं, लगातार अपवर्ड ब्रांचेस हैं। लेकिन सबसे अच्छा परिवर्तन जहाँ से आप जीवन का आनंद लेंगे या फिर आपका आपकी लाइफ स्मूथ होते हुए दिख रही है, एकदम से शांत, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ अब लाइफ एकदम से ट्रैक पे आ गई है, अब ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ये होता हुआ दिख रहा है 43 से। लेकर के 49 तक लगातार ऑफशोर्स हैं, लगातार अपवर्ड ब्रांचेस हैं, तो लगातार खुशियां आपके जीवन में आती हुई दिख रही हैं। फिफ्टी फाइव में बहुत बड़ा ऑफशूट है, बहुत बड़ी खुशी मिलेगी आपको, और 60 में भी बहुत बड़ा ऑफशूट है, बहुत बड़ी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो जैसे कि आपने एनालिसिस के माध्यम से ये जाना कि आपके लाइफ में अभी तक तो फिलहाल मुझे कहीं भी बहुत अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है, कहीं से भी नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एक मिनट, मतलब एक भी दिन आपका ऐसा गुजरा जहां आपने अपने आप से जितनी भी उम्मीदें रखी हैं, या एक कंफर्टेबल लाइफ होती है इंसान के, हर किसी के जीवन में होती है, जहां 2-3 साल आपका अच्छा जाता है। मुझे बचपन से लेकर अभी तक आपका कोई भी टाइम ऐसा नहीं लगा जिसको देख कर के मैं ये कहूँ कि हाँ आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, या आप एकदम से आप, या एक साल भी आप खुश रहे हों, ऐसा एक भी ईयर या एक भी ऐसा साल मुझे नहीं दिखा। लेकिन 31 से क्या हो रहा है कि 31 से चीज़ें बेहतर हो गई हैं, पहले की तुलना में तो बहुत बेहतर। और 31, 34 एंड हाफ, 38 के बाद से तो पूरा का पूरा जीवन ही आपका बदलता हुआ दिख रहा है। आपका मूलांक 4 भाग्यांक 6 है। अच्छा, मैं ये बात मैं पहले बता दूँ, कभी कभी ये बातें मिस हो जाती हैं। मूलांक 4 जिनका भी होता है, ऐसे लोगों को सलाह होती है कि किसी भी ऐसे इंसान पे भरोसा मत कीजिएगा जो आपके ब्लड रिलेशन से जुड़ा हुआ ना हो। जब भी उनको मौका मिलेगा आपके साथ वो धोखा करेंगे, इतना तय है, तो आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है। उसके बाद आप जिस डेट को, जिस मंथ, जिस ईयर के, जिस मंथ के, जिस डेट को पैदा हुए हैं, आपके साथ जितने भी लोग पैदा हुए उन सभी पे ये बातें लागू होती हैं। आपके फेवर में रहने वाले ग्रह का नाम है, पहले तो आपका मूलांक मैं लिख दूँ, आपके फेवर में रहने वाले ग्रह का नाम ही यूरेनस, सन, नेपच्यून एंड मून। यानी आपके ऊपर 4 ग्रहों का, आपके ऊपर 4 ग्रहों का विशेष करके आशीर्वाद है, जिसमें यूरेनस है, सन है, नेपच्यून है और मून है। ये ग्रह योग आपको असाधारण व्यक्तित्व प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। असाधारण इसीलिए ये कहा गया है यहाँ पर, क्योंकि आपके अंदर शक्ति है। कैसी शक्ति है वो मैं आपको बता दूँ, सपनों के माध्यम से हो या कैसे भी करके, कभी कभी आपको
भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास अवश्य होता होगा, यानी भविष्य में कुछ होने जा रहा है इसकी परिकल्पना कह सकते हैं हम, या आभास कह सकते हैं, अनुभव कह सकते हैं, अनुभूति कह सकते हैं, आपको पहले हो जाती है। इसीलिए अद्भुत है आपका व्यवहार या आपका व्यक्तित्व, या आपको एक्स्ट्रा पावर कुछ ना कुछ देता हुआ ये ग्रह योग दिखाई दे रहा है। रिलेटिव की बात की जाए या फैमिली की बात की जाए तो उनके तरफ से आपको समस्याएं ज़्यादा मिलेंगी, सहूलियत नहीं मिलेगी लेकिन समस्याएं बहुत मिलेंगी। असामान्य बौद्धिक क्षमता है आपकी बुद्धि, ऐसे यदि आपके हाथ को देख करके मैं कहूँ तो ठीक है, आपकी बुद्धि बहुत तीव्र तीक्ष्ण होती हुई दिख रही है 43 के बाद से, बहुत तीक्ष्ण, क्योंकि द्विशाखित होना ही अपने आप में बड़ी बात होती है, माइंड लाइन का दो भागों में बट जाना। तो 43 से आपके अंदर असीम ऊर्जाओं का संचार बनता हुआ दिख रहा है, अद्भुत ज्ञान आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हुए दिख रहे हैं, बहुत बुद्धिमान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये ग्रह योग जो है ये आपकी बौद्धिक क्षमता को अलग ही लेवल पे लेके जा रहा है, ये आपको असामान्य बौद्धिक क्षमता का ज्ञाता बना रहा है, यानी ऐसे लोगों की बुद्धि कुछ अजीब तरह की होती है। ये लोग असंभावनाओं में संभावनाओं की तलाश करते हैं, जहाँ मान लीजिए कोई भी काम ऐसा जहाँ आप ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि इस काम के ज़रिए कोई पैसा कमा सकता है, ये लोग उस काम के माध्यम से अच्छी खासी इनकम करके आपको दिखा देंगे। यानी जहाँ आम इंसान की सोच ख़त्म होती है वहाँ से इनकी सोचने समझने का तरीका स्टार्ट होता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि असामान्य बौद्धिक क्षमता है इनके पास। जो भी काम आप कीजिए, कोई भी काम कीजिए, सफलता आपको मिलेगी। पैसा बचाने की बात की जाए या पैसे को संचय करने की बात की जाए, वहाँ पर दिक्कत आएगी, सफलता बहुत मिलेगी, अत्यंत सफल होंगे आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, सफलता बहुत मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम एक मैं आपको पहले बता दूँ, सफलता मिलने के बावजूद भी कठिनाई बनी रहेगी जीवन में। मैंने पहले भी बोला है कि आपके लाइफलाइन पर लगातार मुझे छोटे छोटे ऑफशूट्स, माफ कीजिएगा, छोटे छोटे कट्स दिख रहे हैं। ये क्या होता है? ये बताता है कि जीवन के आनंद में अभाव है। यानी एक सर्टेन एज तक, 43 से पहले आपको सफलता मिल रही है, ऐसा नहीं कि आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जीवन आपका आसान नहीं है। समस्याएं तब भी किसी ना किसी रूप में आपकी लाइफ में आ ही जाएंगी, चाहे स्वरूप आपके पर्सनल लाइफ को लेकर के वो आए, या प्रोफेशनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा आएगा, या कोई ना कोई दुश्मन ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से आपको समस्या रह सकती है। आपका मूलांक 4 भाग्यांक 6 है। अब यहाँ पे 4 और 6 का कॉम्बो बनता हुआ दिख रहा है। ये दोनों एक दूसरे के ना तो दोस्त है ना दुश्मन है। 4 बहुत एक्टिव है तो 6 बहुत ज़्यादा लेज़ी है। 6 को कोई काम करने से कोई मतलब नहीं है, 4 बहुत एक्टिव बनाता है। अब 4 इसको सिखाता है लेकिन 6 कहता है मुझे सीखने का भी मन नहीं है। यानी ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के लिए नेगेटिव नहीं है लेकिन पॉजिटिव भी नहीं है। जहाँ 4 और 6 का कॉम्बो बनता हुआ दिखाई दे वहाँ न्यूट्रल रहती है बातें, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। इसीलिए क्या होता है कि आपको यदि आपके ग्रह योग इतने शुभ नहीं होते तो शायद मैं कह सकती थी कि आपको सफलता सामान्य स्तर की मिलने वाली है, लेकिन आपका ग्रह योग काफ़ी शुभ है इसीलिए इस योग को हम उतना महत्व नहीं देंगे। आपके कोई सवाल नहीं है तो इस पर कोई चर्चा करने की बात ही नहीं है, इसीलिए इस एनालिसिस को अभी यहीं पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय।